ब्रज मंडल शोभा यात्रा को लेकर नुहू शहर व पूरे नुहू जिले में तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। इस समय हम गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर तिरंगा पार्क है, जिसे शहीद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 100 फुट ऊंचा जो तिरंगा है वो शहीदों के सम्मान में लहरा रहा है। और ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर के मुख्य द्वार जो हैं, जो गेट हैं, वो भी लगाने शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारे गेट इस तरह के पूरे ज़िले भर में आपको दिखाई देंगे। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुफिया विभाग ड्रोन से पूरे शहर की मैपिंग कर रहा है। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका स्थित झिरकेश्वर मंदिर की जो है मैपिंग की जाएगी, और उसके बाद जहां पर यात्रा का समापन होगा श्रृंगेश्वर मंदिर सिंगार गांव में, वहां पर भी मैपिंग की जाएगी। तो कुल मिलाकर इसके अलावा अगर हम खोजी कुत्तों की बात करें, घोड़ा पुलिस की बात करें, CRPF के जवानों की बात करें, RAF के जवानों की बात करें, हरियाणा पुलिस के जवानों की बात करें, हरियाणा पुलिस के कमांडो की बात करें, होमगार्ड के जवानों की बात करें, इन सभी की तैनाती होगी। तकरीबन 2500 से 3000 जो पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। सुरक्षा के यहाँ पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस बार किसी भी चूक के मूड में शासन व प्रशासन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर हम खोजी कुत्तों की बात करें तो वो उन हरकतों पर नज़र रखेंगे जो लोग ब्रजमंडल शोभा यात्रा में दूर दराज इलाकों से आएंगे और नुहू जिले की सीमा में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर खोजी कुत्ते सूंघने की क्षमता के आधार पर ये पता लगा लेंगे कि कोई किसी प्रकार का विस्फोटक या हथियार लेकर तो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर बीते साल जो यहाँ पर हिंसा हुई थी, जिसमें आधा दर्जन लोगों की जान चली गई थी, जान माल का बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला था, काफ़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, लूट और तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थी, और इसके अलावा बाद में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट तक ये मामला चला गया था। तो कुल मिलाकर बीते साल जिस तरह का जो आरोप और प्रत्यारोप शासन और प्रशासन पर लापरवाही का लगा था, इस बार सरकार व शासन प्रशासन किसी प्रकार की चूक के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग है। जब यहाँ बीते साल हिंसा हुई तो सिर्फ काले जो राख के दाग हैं या पथराव है वो चारों तरफ यहाँ दिखाई पड़ते थे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ लोगों ने आपसी अमन और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए वापस भाईचारे को पटरी पर लौटाया। क्योंकि बीते साल ये आरोप लगे थे कि बाहर से आने वाले शरारती तत्वों की वजह से नुहू हिंसा हो गई थी, लेकिन इस बार बाहर से आने वाले लोग हों या यहाँ के स्थानीय नागरिक हों, सभी पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। लगातार यहाँ पर मैपिंग की जा रही है, ड्रोन CCTV कैमरों की बात करें। अरावली पर्वत की अगर हम बात करें तो अरावली पर्वत में भी हरियाणा पुलिस के जो कमांडो हैं वो सर्च अभियान चलाएंगे। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आमजन में एक संदेश जाए कि इस बार सुरक्षा की किसी भी तरह की कोई चूक और लापरवाही नहीं है, इसलिए फ्लैग मार्च भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जाएगा। लगातार इसको लेकर के तैयारियाँ हैं। बड़े अधिकारियों ने नुहू शहर में डेरा डाल लिया है। IG रेवाड़ी रेंज की बात करें, पुलिस अधीक्षक नुहू की बात करें, उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा की बात करें, तो लगातार बैठकें वो ले रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इस बार मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भी यात्रा की तैयारी के लिए पूरी तरह से आगे आए हैं, अनुमति उन्होंने ले ली है, चाहे वो पेयजल की बात करें या फ्रूट की बात करें, तो इस तरह का इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। कासिम खान, हरियाणा तक, नुहू मेवात।